Hello, everyone. So start करते हैं फिर प्रिपरेशन. आज सिर्फ हम प्रिपरेशन दिखाने आए हैं लाइव. सो स्टार्ट मॉडल पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है. सो वन साइड हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है. एडवांस हेयर स्टाइल वेरिएशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आज वो दिखाते हैं. बहुत ज्यादा बेबी हेयर है तो सबसे पहले आपको ब्लो ड्राई करना है. सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करना है. स्ट्रेट जहां पे बेबी हेयर ज्यादा होते हैं सो आपको प्रिपरेशन में एटलीस्ट ब्लो ड्राई करना है ताकि ये जो बेबी हेयर का प्रॉब्लम है जो हेयर स्टाइल के वेरिएशन के बाद भी दिखता रहता है बेबी हेयर ऊपर आते रहते तो वो नहीं होगा. ब्लो ड्राई से एक फायदा ये भी होगा कि आपको बाउंस मिलेगा. जो हेयर का टेक्सचर चाहिए वो हम टेक्सचर हमारे हिसाब से बना सकते हैं. कोई भी बेबी हेयर रफ है बहुत ज्यादा बेबी है उसको हम ब्लो ड्राई से सेट कर सकते हैं. बड़ा बड़े सेक्शन में वर्क करना है. जब भी क्रिम्पिंग करोगे तभी आपको सेक्शन स्मॉल स्मॉल लेने हैं. आपको अगर एडवांस के कोई टेक्निक यूज नहीं करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई करके भी आप फिनिशिंग वर्क लेके आ सकते हो. अभी क्रिम्पिंग करेंगे. वन वन सेक्शन स्ट्रेट सेक्शन में क्रिम्पिंग करना है. तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ आइकॉनिक का माइक्रो क्रिम्पिंग. सबसे पहले हेयर को नीचे नहीं रखना है. जब भी आप क्रिम्पिंग करते हो तो मेक श्योर हेयर ऊपर रहे ताकि जो भी हीट है अंदर रूट तक लगे और स्काल्प पे हीट उसकी ना जाए. फिर आपको ऊपर से बहुत अच्छे से और नीचे बहुत लाइट 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 कर सकते हो. सी द टेक्सचर ऑफ है. प्रिपरेशन हेयर स्टाइल वेरिएशन में प्रिपरेशन होना बहुत ही जरूरी है. अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया रहेगा तो भी आपका वर्क नहीं दिख के आएगा.
अगर बहुत ज्यादा ये मैंने फ्लैट लुक दिया है, बट क्रिम्पिंग से ही अगर आपको बाउंस चाहिए तो हमें क्या करना है, जो भी टेक्सचर है या तो ऑपोजिट टेक्सचर लेना है या तो फिर स्ट्रेट पार्टीशन में ऐसे बैक साइड करके फिर उसको छोड़ोगे तो देखो दोनों में डिफरेंस है। क्रिम्पिंग में भी टेक्सचर वाइज क्रिम्पिंग करना है, आपको बाउंस चाहिए ऐसे लो। देखो एक खुद में हेयर में टेक्सचर कैसे क्रिएट करना है वो हमारे ऊपर है। एक मशीनरी से स्ट्रेट क्रिम्पिंग करने के लिए नहीं होता है, टेक्सचर क्रिएट करने के लिए भी होता है। फिर वो पतले बाल रहेंगे, वॉल्यूम वाले बाल रहेंगे, आप आपके हिसाब से उसको टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द बेसिक पार्ट जो आपको पता होना चाहिए कि आपको हेयर प्रिपेयर, एक पर्टिकुलर हेयर आपके हाथ में आते हैं तो उसको कैसे उसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम ये क्रिम्पिंग करेंगे तो इसका लुक फ्लैट होगा, बाउंस नहीं मिलेगा। तो आपको बाउंस के लिए जो भी पार्टीशन या तो ऑपोजिट या तो फिर सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेट पार्टीशन से काम करना है, उससे वॉल्यूम बहुत अच्छा क्रिएट होगा। मैंने एक आपको ऐसे भी करके दिखाया, डाउन करके दिखाया, एक अभी हम ऑपोजिट क्रिम्पिंग करेंगे तो उसमें आप बाउंस देखना। ऑपोजिट क्रिम्पिंग यहां से स्टार्ट करके बैक साइड ऐसे और फिर इसको यहां पे लेंगे, सी द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमें चाहिए वो वॉल्यूम मिलेगा। और क्रिम्पिंग का एक टेक्सचर हेयर का अलग करता है, जो एडवांस वेरिएशन के लिए पुलिंग के लिए बहुत यूजफुल है। आप देख सकते हो एक जगह पे मैंने फ्लैट लुक का क्रिम्पिंग किया हुआ है, यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे मैंने ऑपोजिट क्रिम्पिंग की, तो दोनों में बाउंसिंग में बहुत फर्क है। यही हमारी टेक्निक्स है जो हम हमारे आज के डे टू के मास्टर क्लास में सिखा रहे हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है हमारे साथ, ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, तो हमारी एकेडमी है मुलुंड में, मुंबई में, अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लोज स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से ज़्यादा इंक्वायरी अगर किसी को करनी है तो नंबर है हमारा 9773549 47, इस पर आप इंक्वायरी करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर सेशन। सो एनी डाउट्स, आपको प्रिपरेशन रियल हेयर पे भी कैसे करना है उसकी आइडिया आ गई? क्लियर है रियल हेयर की हेयर प्रिपरेशन कैसी होती है? अभी इस पे हम पर्फ भी बनाएंगे और बन में एडवांस में वेरिएशन करेंगे। एनी डाउट्स, हेयर प्रिपरेशन के ऊपर डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
है ना तेरे पास में। लेट्स स्टार्ट मिडल पार्टिंग ईयर टू ईयर सेक्शन। वन का वेरिएशन कर रहे हैं, सो हमारा जो भी पार्टीशन है वो यहां से स्टार्ट होगा टिल द सेकेंड। ये हेयर को आप पहले से पोनी करके रख सकते हो, इवन आपको ये ऊपर लेना है वेरिएशन के लिए तो ये बाद में भी कर सकते हो। तो ये हम वही टेक्निक यूज करेंगे, या इवन इनके हेयर भी इतने लंबे हैं कि यही हेयर को हम नीचे वेरिएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो क्विक क्विक वर्क दिखाऊंगी आज की, फटाफट बर्न बना के नीचे हम कैसे फटाफट से स्टफिंग यूज करेंगे और फटाफट से हम नीचे बर्न। जैसे हमें प्रैक्टिकली क्विक वर्क चाहिए तो बहुत जरूरी है कि जितना हम क्विक में वर्क दे सके। सी, जो यहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं इसको सेट करना बहुत जरूरी है, ये ऐसे ही सेट नहीं होंगे। सो हमें यहाँ पे अच्छे से हार्ड स्प्रे और ये सारे हेयर को इवनली देखो कितने अच्छे से सारे हेयर सेट हो गए। ये फिनिशिंग जब भी हम करते हैं सिंपल बन भी बनाओगे ना तो ऐसे ही लेना है आपको। डबल रबर बैंड, अगर ऊपर के बाल कम है तो आप डायरेक्टली ये हेयर को वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे एक बन लगा के रख सकते हो और ये वाले बाल को वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो, या हम ये पफ बड़ा वाला लॉन्ग स्टफिंग लेके भी, या बैक कॉमिंग जैसे मैंने अभी इसके पहले सिखाया बैक कॉमिंग से बन बनाना तो वो भी कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट अगर आपको एक ही ब्राइड को दो बार करना है या एक ही साइडर को दो बार वेरिएशन में बाल यूज करने हैं तो बैक कॉमिंग वाला मत बनाओ, बिकॉज उसमें वापस से आपको इतना प्रिपरेशन सेकेंड हेयर स्टाइल के वक्त करना पड़ेगा। सो इट्स गुड कि आप स्टफिंग यूज करो तभी। यहाँ पे मैं 9 नंबर का स्टफिंग यूज यूपिन यूज कर रही हूँ।
ताकि इसका लॉकिंग बहुत अच्छा और अंदर तक जाए। यूपी एंड वन अगेन, मैं यहाँ पे यूपिन से ही लॉक कर रही हूँ, बट अगर आपको लूज लगे तो आप अंदर से या नीचे से बॉबी पिन कर सकते हो। ये देखो, ये बॉबी पिन मैंने यहाँ पे जहाँ पे पिन है वहां पे मैंने इसको किया है, तो ये लूज बिल्कुल भी नहीं होगा और अच्छे से होल्ड भी हो जाएगा आपका। डबल बॉबी पिन लगाने से लूज रहेगा और स्टफिंग आपका बहुत हार्ड हो जाएगा एक टाइम पे, सो आपको वो नहीं करनी है चीज। ऊपर नीचे फोर चारों जगह पे आपको यूपिन से लॉक करना है। आई होप यूपिन का लॉकिंग देखा रहेगा। यहां से आउट, पहले यहां से बाहर निकालो, फिर इसको अंदर की साइड टुवर्ड्स दी रबर बैंड के डायरेक्शन पे, और यहाँ पे इसको पिन कर दो। नीचे से पिन के ऊपर जाना चाहिए क्रॉस, और ये जो बन है हमारा अच्छे से हमारी फिंगर अंदर तक, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा रहता है, सिर्फ ये स्प्रेड करोगे तो यहाँ तक वो पूरा अच्छे से इवन नहीं दिखेगा, तो आपको ये पूरा अंदर तक हैंड मूवमेंट और फिर अच्छे से इसको स्प्रेड करो। सी, एक फिनिशिंग वाला बन भी बन जाएगा आपका, और ये जो एंड पार्ट है इसको आपको यू पिन से ऐसे और ऐसे लॉक कर दे। जब भी आप ये स्टफिंग से करते हो ना, तो आप नीचे के बालों को अगर क्रिम्पिंग नहीं भी किया है तो भी चलेगा, आपका फिनिशिंग स्टिल आएगा, बिकॉज हम इसके ऊपर वेरिएशन ही कर रहे हैं, सो नो नीड कि आप नीचे के बालों को भी। हाँ, बट अगर आपने वेरिएशन नहीं करने वाले हो, ऐसे ही रखने वाले हो एज इट इज, तो जरूरी है कि आप नीचे के हेयर को एटलीस्ट ब्लो ड्राई करो और फिर आप वेरिएशन दो, तो बहुत ज्यादा अच्छे से वेरिएशन होगा। अभी पफ बनाना सीखेंगे। इसको हम मिडल में से डिवाइड कर देंगे। कल मैंने सिखाया था ऊपर से सेक्शन हम आगे आगे छोड़ रहे थे, आज हम सीखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करके नीचे से ऊपर कैसे सेक्शन में जाना है, बैक कॉमिंग करके पफ क्रिएट कैसे करना है। अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है तो आप बीच में स्टफिंग भी, छोटा राउंड शेप का स्टफिंग डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, जिससे आपको एक बाउंस मिले। जहां पे हेयर वॉल्यूम कम रहते हैं क्लाइंट के, वहां पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे, ये फर्स्ट हमारा नीचे से रूट का लेयर है, तो हम यहाँ पे हैवी बैक कॉमिंग कर सकते हैं। सो ये हमारे हेयर की 90 डिग्री हो गई स्ट्रेट, अभी यही हेयर को हमें 180 डिग्री पे लेके जाना है, और ये देखो जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे आना है। यहाँ पे होल्डिंग आपकी टाइट और ये बैक कॉमिंग एकदम ऊपर, और स्प्रे का डायरेक्शन ऐसे नहीं लेना है, ऊपर से नीचे। सी, और यहाँ पे भी ऊपर भी स्प्रे जो बेबी हेयर बैक कॉमिंग की वजह से आते हैं उसको भी सेट करते जाना है। लेयर बाय लेयर लेना है और छोटे छोटे लेयर में काम करना है, ताकि जितना हाइट आपको चाहिए वो हाइट मिले।
एक साथ पूरा पूरा सेक्शन में वर्क करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पहले बॉक्स पार्टिंग में वर्क करना है, फिर साइड लेना है। यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने बॉक्स पार्टिंग का एरिया लिया है, इसको आगे की तरफ और बैक कॉर्नर। और साथ में इसको स्प्रेड करते जाओ। फिनिशिंग का लेयर जब भी आएंगे तभी ज्यादा बड़ा लेयर रखना है, बहुत कम लेयर में फिनिशिंग लेयर नहीं रखना है। दोनों जगह से सेम फुल लिया है, पूरा ऊपर से आगे और बैक कॉर्नर। यहाँ पे ये जो है होते हैं उसको पहले अच्छे से सेट करो और यहाँ पे स्प्रे कर दो ताकि जो भी हेयर उड़ रहे हैं वो सारे एक साथ सेट हो जाए। पहले हम ये पार्ट को लॉक करेंगे और फिर फिनिशिंग लेयर। अगर उस पे आपको पुलिंग टेक्निक भी करनी है तो भी आप कर सकते हो, अगर फिनिशिंग लेयर बाद में लिया रहेगा। यहाँ पे देखो अच्छे से ये बन गया, अभी जितना हाइट चाहिए उतना उसको ऊपर आगे से ऊपर पुल करो। सबको साथ में लेके बॉबी पिन से लॉक करेंगे। बिगर साइज बड़ी वाली बॉबी पिन यूज करनी है। क्रॉस में ये आपका एक अच्छा राउंड शेप होना जरूरी है, लॉकिंग करने के बाद भी आपको लगे कहीं से उठाना है तो आप और भी हाइट अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ ये जो हमारा फिनिशिंग लेयर है इस पे वर्क करेंगे। फिनिशिंग लेयर जब भी आएगा तभी आपको बैक कॉम्बिंग बहुत लाइट करनी है।
बहुत लाइट सी फ्रूट बैग कॉमिंग और स्प्रे। वुडन स्टिक यूज करो। सिर्फ रूट बैक कॉमिंग स्प्रे एंड क्लियर। यहाँ तक क्लियर है पफ का पार्ट कैसे लेना है कैसे बनाना है। यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए अगर ये जो बेबी हेयर्स भी उड़ रहे हैं उसको हम सेट करने के लिए यूज करेंगे ऑसिस शाइन स्प्रे। अगर आपको ये एज इट इज रखना है तो यहाँ पे लॉक कर दो। अगर पुलिंग टेक्निक करनी है यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी पुलिंग कर सकते हो। क्रॉस रखना है जस्ट पिंच और यू पिन। सी द पुलिंग बहुत इजी है बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जस्ट मिडल में से पुल किया और इसको हमने स्टे किया और लाइन को नीचे तक क्लियर करो। ऊपर रहेगा ना वही हेयर आएंगे। बैक कॉमिंग वाले ऑलरेडी हमने हार्ड स्प्रे से उसको लॉक कर दिया है। सो देखो कितने अच्छे से एक पुलिंग सॉफ्ट पुलिंग और क्लियर लाइन होनी चाहिए। जितना भी पुल करते हैं इजीली और बहुत अच्छे से फिनिशिंग दिखनी चाहिए। जब ये डालते हैं इसको लॉक करो छोटा करो और फिर जितना हमने पुल किया है बस उसको ही पिन करो।
अभी हम इसमें सीखने वाले हैं आज ट्विस्टिंग टेक्निक। पहले इसको लॉक कर देते हैं। क्लियर सेक्शन, क्लियर लाइन और ट्रांसपेरेंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। स्ट्रेट लाइन है इसीलिए हम ऊपर से सिर्फ उसको पुल करके हैंड को सिर्फ सॉफ्टली इसको करना है। बहुत ज्यादा लाइंस को फिर उठाना नहीं है, नहीं तो आपके हाथ में लग जाएगा, उसकी फिनिशिंग चली जाएगी। अभी लॉक कर देते हैं। रबर बैंड और पिनिंग से वन साइड निकालूंगी, यहां पे हम डालते हैं और जितना लंबा रहेगा ना उतना आप गैपिंग कर सकते हो। पहले फ्रंट, अभी ये हेयर देखो कितने इनके हेयर के ऑलरेडी वॉल्यूम थे, तो हमने यही हेयर का वेरिएशन करेंगे। एल्स इसके पहले जो मैंने दिखाया कि नीचे के बालों को ऊपर लो और फिर वेरिएशन करो, तो वो भी टेक्निक कर सकते हो। जब भी बाल ऊपर के कम होते हैं, वेरिएशन के लिए यूजेबल नहीं होते तब। फ्रंट वेरिएशन लेंगे, यहाँ पे वर्क करते हैं साइड पार्टीशन से। साइड पार्टीशन ऑलवेज मिडल पार्ट में हमने वर्क किया, अभी हम साइड पार्टीशन में देखेंगे कि कैसे वर्क करना है। यहाँ से मिडल ऑफ द आईब्रो जो बॉक्स पार्टिंग का पार्ट होता है वही लेना है और हल्का सा क्रॉस सेक्शन लेना है ताकि आपकी ये जो लाइन है वो विजिबल ना हो। अगर फिर भी अगर बहुत ज्यादा विजिबल होती है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे जिगजैग फॉर्म बना सकते हो ताकि ये लाइन विजिबल ना रहे। जो इसके पहले दिखाया वो सिंपल वापस से रिपीट कर देती हूँ। सिंपल जो मिडल पार्ट में किया था वही हमने यहाँ पे साइड पार्टीशन लिया। ये देखो ये जो सेक्शन के हेयर बचे हुए हैं यहाँ तक लेना है और यहाँ से हल्का सा डाउन और यहाँ
यहाँ पे आप कूलिंग कर सकते हो। दूसरा पार्ट दिखाया था दो पार्ट में डिवाइड करके, तो यही वेरिएशन को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। फर्स्ट वेरिएशन फ्रॉम हियर, इसको आपको ट्विस्ट करना है और यहाँ पे लगाना है और फिर यहाँ से हेयर को लेना है ऐसे। तो जो मैंने डमी पे दिखाए वो दोनों वेरिएशन ऐसे आएंगे। नाउ द थर्ड वेरिएशन, हम इसमें कुछ नया टेक्निक यूज करेंगे। मिडल आगे का पोर्शन अलग कर देंगे और बैक साइड में यहाँ पे स्ट्रेट होल्ड करेंगे, यहाँ पे बॉबी पिन कर देंगे। क्रॉस में सिर्फ साइड वेरिएशन से वर्क करेंगे। कभी भी वर्क स्टार्ट करने के पहले जो भी बेबी हेयर उठ रहे हैं यहाँ पे, उसको शाइन स्प्रे से अच्छे से लॉक करना है। हैंड मूवमेंट, फिंगर आगे और ऐसे। आपका भी है अभी? ठीक है ठीक है, क्लियरिटी एक दो वेरिएशन दिखा रही हूं मैं। हैंड मूवमेंट को ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे जो आगे का पार्ट है उसको हम पुल करेंगे ऊपर की तरफ। सी द पुलिंग, यहां से हार्ट स्प्रे और यहां से दोनों साइड से हार्ट स्प्रे करना है और इसको अच्छे से प्रेस कर दो। क्रॉस में एक एकदम क्रॉस और एक स्ट्रेट, जितना ऊपर रखना है उतना स्ट्रेट। अगर ये पार्ट को डाउन करना है तो आपकी ये सेकेंड यूपिन नीचे की तरफ होनी चाहिए। फिर हैंड मूवमेंट लूज और इसको आप नीचे की तरफ स्प्रेड करोगे। टी टूवर्ड्स टिल द आईब्रो लेवल, और पीछे का जो सेक्शन है एकदम स्ट्रेट पार्टीशन। मैं यहाँ पे भी यूपिन कर रही हूँ स्ट्रेट, ताकि हमारा पुलिंग टेक्निक, देखो जहां पे मैंने ये स्प्रेडिंग टेक्निक किया डाउनवर्ड स्प्रेड, तो वहां पे इजीली वो स्प्रेड भी हो गया और मेरी पुलिंग टेक्निक कितनी इजीली हो गई। यहाँ पे जस्ट यूपिन एंड पुल, पहले इसको हार्ड प्रेस, एंड ये जो बॉबी पिन मैंने यहाँ पे सेकेंड में लगाई है इसको सिर्फ ट्विस्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ इसको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन एंड यूपिन होल्ड करनी है। यूपिन कहाँ पे होल्ड होगी? आपकी जो बेस आपकी बॉबी पिन है वहां पे। Now, the second section जो हमने स्ट्रेट पट्टा ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है उसको भी आप पुलिंग ले सकते हो या सिंपल में भी रख सकते हो। पुलिंग लेना है तो यहाँ से हल्का हल्का स्ट्रोक दे दो ताकि ये पार्ट कंटिन्यूएशन दिखे।
नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ से जो नीचे से सेकेंड पार्ट है उसका लेंगे, वर्क करेंगे। स्प्रेडिंग टेक्निक है, जितना ये डाउन से अप हुआ है उतना ही हम नीचे और ऊपर इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। ये आपका एंड पॉइंट, तो जजमेंट आपका हैंड मूवमेंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन और नीचे की तरफ स्प्रेड, स्प्रेड शुड बी लाइक दिस। कंटिन्यू में करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको पुल करेंगे। सी, स्प्रेडिंग भी किया और स्प्रेडिंग में हमने पुलिंग भी किया। अगेन इसको हम ऊपर की साइड में ट्विस्ट करेंगे और ऊपर की साइड स्प्रेड। जितने बड़े बाल है उतना आपका पीछे तक जाएगा, या एल्स आप ये दो ही सेक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको पिन कर दे रही हूं ताकि हमें नीचे भी वेरिएशन करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये ऊपर का वेरिएशन करके भी कंप्लीट कर सकते हो हेयर स्टाइल। सिर्फ फ्रंट वेरिएशन करो और पीछे सिंपल बन बना, या ओपन वेरिएशन में भी वेरिएशन दे सकते हो। मैंने ये वेरिएशन दिया है बन के लिए, आप ये वेस्टर्न लुक के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। शाइन स्प्रे करना भूलना नहीं है, एक 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 स्टेप पे आपको शाइन स्प्रे करना है। अगेन ये अप है, उसी के नीचे डाउनवर्ड लेंगे, के आगे मैंने ये वेरिएशन करने के पहले पुलिंग टेक्निक दिखाई, तो आप यहाँ पे पुलिंग टेक्निक को भी ले सकते हो सिंपल, और नीचे बन बना सकते हो, सिंपल बन भी कर सकते हो। जो वेरिएशन आपको चाहिए, वो बहुत सारे बैक वेरिएशंस है, आप वो क्रिएट कर सकते हो। सिंपल स्प्रेडिंग किया और उसको हमने पुलिंग में कन्वर्ट किया। आप सिंपल, अगर आपको ये नहीं करना है ना, तो एज इट इज रख सकते हो, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको करना ही है। पुलिंग, ट्विस्ट एंड एक की यूपिन डालो और स्ट्रेट और उसको स्प्रेड करो। यहाँ पे इसको भी लॉक कर देंगे। आगे से लेके पीछे तक बोले।
क्लियर है अभी? हाँ क्लियर क्लियर है ना। आगे से पीछे का लुक दिखा, फ्रंट से बैक, सी द फ्रंट एंड टर्न एंड द वेरिएशन। ओके साइड पार्टीशन को कवर कर लेंगे यहां से। हल्का सा बाउंस करेंगे में। पीछे की साइड मैंने हैवी बैक कॉमिंग दी और आगे बहुत कम, बिकॉज आगे अगर ज्यादा बैक कॉमिंग देंगे तो बेबी है ऊपर आ जाएंगे और फिनिशिंग चली जाएगी। सो बेस के लिए ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि बहुत ज्यादा बेबी है सेट नहीं हो रहे, तो लंबे से स्प्रे करो और इसको सेट करो। यहाँ पे एक बाउंस, सी एक ट्विस्ट करके बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। यूपिन लगाएंगे, प्लेन पार्ट भी रख सकते हैं यहाँ पे, और अगर ये लाइंस को कंटिन्यू करना है तो लाइन कंटिन्यू भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो पफ के लाइंस क्रिएट की थी उसी के साथ इसको भी हमने मर्ज कर दिया। यहां से सिर्फ पुल किया और अभी ठीक है। ठीक है, जूम करूं बस, जो साइड हो जाएगा तो चेक करते रहना। बस
भेदे अभी बैक वेरिएशन, ये बैक वेरिएशन जो भी मैंने स्ट्रेट पुलिंग दिखाई है या अभी ये, तो वो सारे हम सेम वे में वेस्टर्न लुक में कर सकते हैं, बस पार्टीशन का डिफरेंस रहेगा। शाइन स्प्रेड ट्विस्टिंग में पुलिंग, अभी आप ट्विस्टिंग सीखने वाले हो, ये ट्विस्टिंग बहुत जगह पे फ्रंट वेरिएशन, बैक वेरिएशन, वेस्टर्न लुक के वेरिएशन, मर्मेड स्टाइल सब जगह पे आपको यूज होने वाली है। पार्टीशन, ये ट्विस्टिंग जो सिखा रही हूँ वो वन ऑन डायरेक्शन भी रह सकता है, जैसे सबको ट्विस्ट राइट में किया या सबको लेफ्ट में या अपोजिट डायरेक्शन, तो ये सारे टेक्निक वन ऑन वन दिखा रही हूँ। पहले एक करते हैं, मिडल पार्ट करते हैं, दोनों को इक्वल डिवाइड करते हैं ताकि इक्वली सारे जगह पे स्प्रेड हो, गैपिंग ना रहे हमारे वेरिएशन में। अभी इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेक्शन जस्ट ट्विस्ट एंड पुल करके यहाँ पे लगाते जाना है, यू पिन, अगेन ट्विस्ट एंड पुलिंग आपकी, अगर आप चार पार्ट में ही डिवाइड कर रहे हो तो बड़ी बड़ी पुलिंग होनी चाहिए। जैसे जैसे ट्विस्ट करोगे ना, सेकेंड पार्ट आएगा, उसको आपको पुल करना है। दिस इज द ट्विस्टिंग एंड पुलिंग टेक्निक। अगर आपको एक साथ ऐसे नहीं जमता है तो पहले पूरा ट्विस्ट करके नीचे होल्ड कर लो, और बाद में भी आप ये कर सकते हो, पूरा ट्विस्ट करके भी पुल में दिखाऊंगी कैसे करना है। जो भी बच्चे हैं रहे, हम नीचे उसको यूपिन से लॉक कर देते हैं। सेकेंड पार्ट अभी कैसे एक साथ करना है?
ट्विस्ट कर लो, बहुत लूज ट्विस्टिंग रखनी है, टाइट ट्विस्टिंग नहीं रखनी है, बिकॉज अगर आप टाइट करोगे तो पुलिंग में प्रॉब्लम होगी आपको। होल्ड करो, अभी एक 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 सेक्शन बाय सेक्शन इसको पुल करते जाओ। यहाँ पे पुल हुआ, अभी नेक्स्ट पार्ट पकड़ा, अगर नहीं जमता है तो सीधा पकड़ो, यूपिन डालो, यहाँ पे सेक्शन में यूपिन डाला और फिर उसको पुल करो। दिस इज वेरी यूनिक और फटाफट हो जाता है और इजी टेक्निक है, फिनिशिंग भी खराब नहीं होगी आपकी पुल करते वक्त और इजीली आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। सी यहाँ पे सिर्फ ये पकड़ना है, यूपिन को डालो, सिर्फ फोल्ड हो इतना ही डालो यहाँ पे, दोनों साइड में हम एस फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल मैंने लिया वो भी कर सकते। एस फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको यूपिन का डायरेक्शन एक राइट एक लेफ्ट, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे लेना है, या सिंपल सिर्फ एक ही ट्विस्ट दिखाना है तो एक ही यूपिन डालो मिडल में, दोनों अलग अलग वेरिएशन है। और इसको अभी हार्ड स्प्रे से लॉक करते जा। एक पार्ट मैंने स्मॉल किया है, एक को मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है वॉल्यूम वाइज। आई होप ट्विस्टिंग टेक्निक कैसे करनी है वो भी समझ में आया। यहाँ पे जो वेरिएशन था उसको वेरिएशन के साथ में ही मर्ज करना जरूरी है, इसीलिए ये फ्रंट वेरिएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अभी जो मैंने ये सारे डायरेक्शन को सेम रखा है तो आप इसको भी यही डायरेक्शन भी रख सकते हो या ऑपोजिट भी कर सकते हो। चूंकि हेल्थ है उसको हम यहाँ पे यूपिन से अंदर डाल देंगे।
अभी ये मैं सेम डायरेक्शन नहीं दिखा रही हूँ, इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में करके दिखा रही हूँ। आप वन साइड भी टर्न कर सकते हो, बट अभी अपोजिट करेंगे। ये साइड अभी की फिनिश रहेगी तो सारी ये साइड रहेगी। दिख रहे ट्विस्ट ट्विस्ट अभी ये फूल होगा वो पूरा का पूरा ऑपोजिट साइड में होगा, यहाँ से ऐसे, और जितना फूल करते हैं बस उसको ही आपको ये पिन डालना है। नीचे के स्टफिंग में आपकी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यही सारे वेरिएशंस हम वेस्टर्न लुक में भी सीखेंगे, थोड़ा सा अलग वेरिएशन भी करके सीखेंगे।
हैंड मूवमेंट्स देखो और यूपिन के डायरेक्शन अप एंड डाउन। यहां से भी पुल और यहां से भी अप पुल करना है तो ही वो एस फॉर्म बनेगा। जैसे हमने फ्रंट वेरिएशन में किया वैसे ही यहां पे भी करना है। And the last part. ये एक ही हेयर स्टाइल में मैंने तीन वेरिएशन अलग अलग सिखाए। सिर्फ आप फ्रंट वेरिएशन जो मैंने सिखाया वही कर सकते हो। बैक सिंपल रखो या सिर्फ बैक में वेरिएशन दो। फ्रंट मैंने इसके पहले जो डमी पे दिखाए थे सिंपल सिंपल लो एस फॉर्म क्रिएट करो। दोनों साइड में डायरेक्शन
मिडल में स्ट्रेट। फुल लुक दिखा देती हूँ। प्लेस करेंगे जितनी हमारे पास प्लेस रहेगी। निकाल देती हूँ और फाइनल लुक। आई होप इसमें 3-4 वेरिएशन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे वन साइड एंगल लेना है, एक सीधा एक उल्टा ऐसा ले सकते हो, राइट लेफ्ट, या पूरा लेफ्ट का डायरेक्शन, या मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग किया और बीच में स्ट्रेट लिया है तो वैसे भी ले सकते हो। यहाँ पे जो भी ऐसे ही होल्ड किया है उसको पीछे से यूपिन इनविजिबल लेनी है और ऐसे यूपिन डाल देना ताकि वो स्टे रहे, तो वो गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। फुल व्यू ऐसे टर्न इधर से ऐसे स्टार्ट करना सी दैट्स इट। सो ये वीडियो सेव करती हूँ। आई होप आज का सेशन में समझ में आया रहेगा। कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स? जो फ्रंट वेरिएशन मैंने डमी पे भी दिखाए और रियल मॉडल पे भी वेरिएशन किया हमने ट्रेडिशनल पे। सो वीडियो सेव करते हैं और आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ और वापस से कल वेस्टर्न लुक के वेरिएशन के साथ में न्यू वेरिएशन स्टार्ट करते। अगर कोई भी डाउट है तो पर्सनल में डीएम करो। थैंक यू सो मच।